सीनू तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? इसे क्या होगा, ये तो खुद यमराज है। क्यों भाई, क्या हालत की उसकी? ऊंट पर बांधकर रेगिस्तान में छोड़ दिया। रेगिस्तान में छोड़ दिया? पहली बार सुन रहा हूँ, तो उस पर विश्वास नहीं हो रहा। अब रहने दो ना ससुर जी, यह ऑपरेशन सक्सेस होना है तो हमें डिंपल जी जैसा एक और बेस्ट बकरा मिलना चाहिए। सॉरी यार। वैसे डिंपल जी जैसा बकरा मिलना मुश्किल है ना? आप टेंशन मत लीजिए सर, ये ढूंढ लेगा। मिल गया। देखा कौन है वो? पेड़ा। पेड़ा, वाह मस्त बकरे को पकड़ा तूने। मौका मिलते ही वो हर समय मुझे रुपए और दिरहम की परिभाषा बताता रहता है। तेरे चक्कर में आके उसका कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल सर। कहाँ पकड़ा था सर इस ब्रह्मास्त्र को? तुझे सोने के पैसे देता हूँ, काम पर सोता है तू। मस्त सिक्योरिटी गार्ड, यू आर अ सिक्योरिटी गार्ड, अंडरस्टैंड? क्या बात है, ऐसे घूर क्यों रहे हो? अरे वाह क्या बॉडी है तुम्हारी, कोई भी मारे फर्क नहीं पड़ेगा। ए, मुझे कौन मारेगा? जोक मारा था यार। रुपए को दिराम से मजाक नहीं करना चाहिए। कहा था ना ये ऐसा ही कहेगा, मैंने पहले ही कहा था, अब तुमको जो कहना है कह लो। भाई कुछ सीक्रेट बात करना चाहते हैं, उस टेंट की तरफ किसी को भी आने से मना किया है। सीक्रेट? ठीक है कोई नहीं आएगा। ठीक है ओके जाओ। चलो भाई ओके। सीक्रेट स्टार्ट करो। ये क्या है स्वामी जी? पेट्रोल प्लांट, मतलब पेट्रोल का पौधा। पेट्रोल पंप के बारे में सुना है, लेकिन पेट्रोल का पौधा क्या चीज है? बताता हूँ। वो लाइटर इधर देना। वाओ। अबू। अरे ये सब क्या है? ये क्या पेट्रोल है? देने वाला पौधा है बेटा। मेक्सिको में एक ड्रग्स किंग ने हेरोइन और कोकीन के पौधे को मिलाकर एक नए नशे का पदार्थ बनाया, उस प्रयोग में ये पौधा पैदा हुआ। मेरा प्रिय शिष्य है दिलीप कुमार, पहली बार इस पौधे का 1 टन बीज इंडिया में मंगाने वाला है, 10,000 एकड़ जमीन पर खेती करवाने वाला है, मतलब उस खेती के बाद तुम्हारी 3 पीढ़ी भी घर बैठकर खा सकती है। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं स्वामी जी? इनकी तो शादी नहीं हुई। मुंह बंद कर। इस प्रोजेक्ट में कुल 1,000 करोड़ का खर्चा होगा, जिसमें 500 करोड़ लगाने के लिए वो तैयार है। बाकी के 500 करोड़ लगाने के लिए और बिजनेस देखने के लिए एक अच्छा सा पार्टनर चाहिए, मुझसे कहा था, इसीलिए तो मैं इस यात्रा पर निकला हूँ। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसीलिए मैं तुम्हें पहला मौका देना चाहता हूँ बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सर लेकिन आप दोस्ती के नाम पर, पार्टनर के नाम पर किसी और को इसमें शामिल मत करना। हाँ जी, ये प्रोजेक्ट आपको अकेले ही करना होगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, वो भानु के पास ना मेरे 200 करोड़ रुपए हैं, वो मैं किसी और बहाने से वापस ले लूंगा और बाकी के 250 करोड़ इंडिया से ट्रांसफर भी करवा लूंगा। खुश रहो, ये प्रोजेक्ट की बात लिख मत करना, इसे रहस्य ही रखना, वरना मेरे दिलीप कुमार मुझसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है बाबा, जय हो। सच में? हाँ सर, मैंने अपने कानों से सुना है और अपनी आंखों से देखा है। हम यहाँ 10,000 फुट अंदर तक खोते हैं, लेकिन एक चम्मच पर पेट्रोल नहीं निकलता। वो कोई मामूली पौधा नहीं है सर, मसलने पर पेट्रोल बरसने लगता है उसमें से। डैड, इट्स अ मिरेकल। उल्टे कामों में वो हमारे पैसे लगवा कर अकेले ही ये धंधा करना चाहता है, बताता हूँ उसे। दोस्त मुझे तुमसे कुछ अर्जेंटली बात करनी है। बोलो। वो क्या है ना कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, मेरे 250 करोड़ ट्रांसफर कर दो तो। 250 काफी है या 500 चाहिए? नहीं नहीं 250 काफी है। किसे ट्रांसफर करना है, तुम्हें या दिलीप कुमार को? अब ये बात तुम्हें कैसे? इसको भी फंसा लिया। मुझे सब पता है दोस्त, पेट्रोल प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में सुना है, अब तक चाहे लीगल हो या इलीगल हो सारे बिजनेस हमने मिल के किए हैं, लेकिन ये काम तुम अकेले करना चाहते हो? अरे ऐसा नहीं है दोस्त, इसमें थोड़ा रिस्क है, इसीलिए तुम्हें क्यों इन्वॉल्व करूं? मुझे रिस्क ही पसंद है। ठीक है दोनों मिलकर ही करते हैं, 50-50। ओके दोस्त। पेड़ा, ये शादी होते ही सारा पैसा ट्रांसफर कर देना। तब तक इसलिए सर, आप हाँ कह दो, मैं 5 मिनट में ट्रांसफर करता हूँ। कभी कभी समय मौकों को दूर कर देता है सर। हाँ कहिए सर। सर आपका नाम दीजिए, मैं हैदराबाद से हवाला कर देता हूँ। ये तो मुझसे भी बड़ा उल्लू है, इसीलिए तो इसे सिलेक्ट किया है। इसमें तो गोवर्धन नाम लिखा है। वो दिलीप कुमार के ससुर जी हैं, खुद के नाम पर करना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए। दूसरा अकाउंट नंबर किसका है सर? मीडिएटर का, 5% अलग से ट्रांसफर करना। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए मीडिएटर को कमीशन मिलना चाहिए, क्यों है ना सर? मीडिएटर तो यही है ना। आपको कैसे पता चला सर? लीगली भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। कभी कभी कर लेना चाहिए ना। भगवान के आशीर्वाद से तुम माफिया में नहीं घुसे हो, वरना सारे माफिया पगला गए होते अब तक। थैंक यू सर। शर्मा रहे हो? फ्रेंड्स, टुडे इज अ स्पेशल डे। मैं और मेरा दोस्त एक स्पेशल प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। टू ग्रेस दिस ओकेजन I am going to open a special bottle, which is cost 25 lakhs. Yes!
25 लाख का फटका। तुम ये क्या बात कर रहे हो सीनू? कल हमारी शादी है और अब ये सब क्यों? अंजलि एक बार तुम मेरी बात तो मानो, क्यों का जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। तुम पहले जाओ प्लीज। ठीक है बस करो दोस्त, बहुत पी चुके हो। अरे छोड़ना, अब दोबारा ये ओकेजन नहीं आएगा, एंजॉय। पापा मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम नकली शादी की बात कर रही हो ना? ना नकली ना असली, मुझे शादी ही नहीं करनी। hey, तुम चुप रहो। ठीक है बेटी, तुम्हें जो पसंद नहीं हुआ मैं नहीं करूंगा। दोस्त ये शादी कैंसिल करो, हम इंडिया जा रहे हैं। जैसे अपनी सगी बेटी की भलाई की बात कर रहे हो। इन्होंने अपनी सगी बेटी से ज्यादा लाड देकर मुझे पाला है। क्यों पाला है तुम्हें? तुमसे मिलने वाले पैसों के लिए। वरना जिस दिन तुम्हारे माँ बाप को मारा था ना, उसी दिन तुझे भी मार देते। ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अंजलि तुम इस पे भरोसा मत करो। भरोसा मत करो? क्या भरोसा मत करो? ए अंजलि, अपने सगे भाई और भाभी को मारने वाला ये तेरी जान को भी नहीं छोड़ेगा। मतलब मेरे मम्मी पापा को? इसी ने मारा है। तुम्हारे बाप की किस्मत अच्छी थी जो वो बच निकला। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने ही गांव को धोखा देकर लोगों का पैसा चोरी करके उसका इल्जाम भी तुम्हारे ही पाप पर लगाया। पूछो इससे सच है कि नहीं। मतलब मेरे पापा? भगवान, भगवान जैसे तुम्हारे बाप को, देवी जैसी तुम्हारी माँ को, तुमसे दूर करने वाला दुष्ट आदमी यही है। मैं सबूत हूँ। hey, आइडिया तुमने ही दिया था ना? आइडिया मैंने ही दिया था। मैं तो क्रिमिनल था, लेकिन तुम्हारी तरह भैया भाभी को मारने वाला क्रिमिनल नहीं हूँ। hey, तुम चाहो या ना चाहो, जो सोचा था वो होकर ही रहेगा। मेरे बेटे के साथ अंजलि की शादी होने के बाद ही यहाँ से कोई वापस जा सकता है। बेटा आई विल टेक केयर सर। ओके अंजलि। ये सब क्या है सीनू? मुझे ये सब जानने के लिए तुमने? हाँ अंजलि, तुम खुद ये सच जानो इसलिए। मुझे मेरे पापा को देखना है सीनू, प्लीज मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। यही तुम्हारे पापा हैं। ये है 15 सालों से तुम्हारे प्यार के लिए जो तरसते रहे वो यही है। पापा। इस दिल से कोई मेरी धड़कन को दोबारा इस दिल तक आने में इतने साल लग गए बेटी। सॉरी पापा, मैंने आपको गलत समझा। नहीं बेटी, तुम मेरी बेटी हो। सब बेटी मिलने के बाद दामाद को ढूंढते हैं, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे दामाद से पहले मिलाकर बाद में बेटी से मिलवाया। तो यही है कहानी। हमें यहाँ से बाहर भगाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह, तुम सबने मिलकर मेरे बॉस को धोखा दिया है। देख लूंगा, यू आर ऑल फिनिश्ड। पेड़ा जी सुनिए तो। सीनू सीनू, जस्ट वेट सीनू, ये सीन मुझ पर छोड़ दो, लेट मी हैंडल दिस। तुम क्या हैंडल करोगे? बस देखते जाओ, मैं इससे 2 सवाल करूंगा तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। लुंगी बाबा के बारे में बॉस को किसने कहा था? मैंने। उसी वजह से शादी रुक गई। पौधे से पेट्रोल निकलता है, ये बात तुम्हारे बॉस को किसने बताई? मैंने। इसीलिए तो 500 करोड़ रुपए के हवाला में चले गए। वो ना, इन सभी ने मिलकर मेरे बॉस को धोखा दिया ये बताऊंगा। अबे तू गधा, ये सारी बातें उन्हें जाके बताएगा, इसीलिए तो इन लोगों ने तुझे फंसाया है। ओए, मीडिएटर को 5 करोड़ रुपए कमीशन देना था ना, वो किसके अकाउंट में डाला है बोलो? बोलना किसके अकाउंट में डाला है, पहले देख ले तेरे अकाउंट में है कि नहीं, जल्दी देखना। ये तो मेरा अकाउंट है। तेरा ही है ना?
अबे तुझे पाकिस्तान पता है ना? हाँ, ये तो पता और है। कजाकिस्तान पता है ना, वो रशिया में। ये लोग फसाविस्तान से कहाँ है पता नहीं, एक बार घुस जाओ तो समझो फंस गए। दाबा जी, सुबह ही शादी है, कैसे जाएंगे? अपने पेड़ा जी है ना, चार्टर्ड फ्लाइट में यही लेकर जाएंगे। मैं और चार्टर्ड फ्लाइट में अभी आया समझ में? सर अगर आप यहाँ रहेंगे तो भानु भाई आपको जिंदा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अब बता बेटा, हमारा रुपया बड़ा है या तेरा दिरहम? रुपया कमाने वाला आपका ब्रेन बड़ा है सर। अब ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी चलो। चलो चलो। तुम भाई, इतने दिनों तक तुम्हारे साथ नरसिम्हा था। डैन, अंजलि तो हवेली में दिखाई नहीं दे रही। दिखाई नहीं दे रहे, भाग गए वो। बाबा, आप यहां? उन सभी ने तुम्हें धोखा दिया है भानु, इस पैलेस से भाग गए। ये देखो कि शारजाह से ना भागने पाए। चलो आओ, जल्दी आओ। चलो चलो चलो, कमॉन कमॉन, जल्दी करो जल्दी करो। हीरोइन डैड, एयरपोर्ट का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हामिद को फोन लगा। ठीक है। सो यू आर फ्रॉम द फिल्म क्रू? या, हीरो हीरोइन एंड आई एम द प्रोड्यूसर। ओह, हु इज द डायरेक्टर? ये मैं ही हूं ना। हीरोइन, क्या हुआ? वो उठा नहीं रहे। कैसे नहीं उठा रहे? ट्राई करो ट्राई करो। क्यों नहीं उठा रहा? व्हाट इज द स्टोरी? स्टोरी, हीरो इज अ रिच फेलो। आता मैरिड अ पुअर फेलो। आता? आता मींस आंटी, आंटी। ओ। ताता अपसेट। ताता? ताता मींस ग्रैंडफादर। ताता वांट्स टू आता कम बैक। हीरो कम्स टू इंडिया एंड कन्विंस आता। आता कम बैक, ताता इज वेरी हैप्पी। वल्ला मजा आ गया, वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। यू बिलीव इट? थैंक यू सो मच। यू कैन प्रोसीड नाउ। चलो चलो सर, चलो चलो, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी करो। सलाम वालेकुम बानु भाई। हमीद भाई लाइन पर है डैड। सलाम वालेकुम हमीद। सेंड मी द फोटोस। आई विल सेंड यू हमीद। नाम का जहर होता है ना, जीप पे रख के ही मर जाते हैं, फ्लाइट में कहीं मिलेगा क्या? Go, go, we must stop the flight. More, more, we have to be more faster. Yeah!
भानु बाबा, उनसे पहले हमें हैदराबाद पहुंचना होगा, तैयारी करो। जी बाबा। यू सुपर्ब सीनू, आई लव यू। सर हम हैदराबाद तो आ गए, लेकिन अभी रिस्क तो है ना? रिस्क तो रहेगा ही, जब तक ये साथ में है रिस्क ना रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। दामाद जी, बहुत देर से कंट्रोल कर रहा था, एक नंबर होकर आता। जल्दी आना ससुर जी। क्यों भैया, यात्रा कैसी रही? सीनो! चुप रहिए सर, बेकार में टेंशन क्यों ले रहे हो? ये कैसी बातें कर रहे हो, हमारी जगह होते तो पता चलता टेंशन क्या है। इसे देखो, ऐसे लग रहा है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे भाई चलो अब। हाँ चलिए। ससुर जी, आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, अब तक जहां आपको चोर समझ रहे थे वहीं पर हम शेर बन के जा रहे हैं। लेकिन सच बताने से वो मानेंगे क्या? हम बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे सीनू? इसे, कल रात पार्टी में भानु ने जो कुछ भी बोला था उसे हमने चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया था। तो फिर ये पैसे? अपने लोग वहां से विड्रॉल करके निकल चुके हैं, हमें रास्ते में ही मिलेंगे। क्या डिबल, टेंशन में लग रहे हो? टेंशन में तो रहूंगा ना सर, उस भाई को ऐसे ही सीनू वहाँ छोड़कर आ गया है, पता है ना वो कितना डेंजर है, फिर भी पूछ रहे हो, टेंशन नहीं होगा? मार देना था ना। अरे मैंने तो मारने के लिए कहा था, लेकिन ये धर्मात्मा है ना, छोड़कर आ गया। अरे इसमें मेरी भी गलती है ना, हाथ में करंट था ना, 4-5 पॉइंट बढ़ाकर लगा देता तो वहीं राख हो जाता। तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? अगर मैं असली भाई होता तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होता? बॉडी लैंग्वेज कुछ बदली लग रही है, कहीं एयरपोर्ट पे एक्सचेंज तो नहीं हो गए? क्या डिंपल जी, आप इतना घबरा रहे हैं? अरे इनकी बातें ही घबराने वाली हैं। सुनिए जी, वो फटी आंखों से देखता रहता था, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था। अगर ऐसे कंडीशन में कोई हो तो वो हमारी बातें सुन तो नहीं पाता होगा ना, इसीलिए जुबान कंट्रोल में रहनी चाहिए। ऐसी बातें करके क्यों डरा रहे हो, धड़कन रुकने लगी। धड़कन की बात पे गाड़ी क्यों रुकी? नरसिम्हा भाई आइए। अरे पेड़ा सर, अपनी मासूमियत को धोखा देकर कमाया पैसा है ये, जरा ध्यान से देख लो इसे। थोड़ा हमें भी देने को बोलो ना सर, किसी रेगिस्तान में जाकर जिंदगी जी लेंगे। ए, इसे जहाँ जाना है वहीं पहुँचेगा, एक रुपया भी कोई नहीं लेगा। मेहनत करके कमाने वाला भी आप जैसा कमिटमेंट नहीं करेगा, अगर देना नहीं है तो ये एग्जीबिशन क्यों? चलो चलते हैं, अगर कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दामाद जी, ससुर जी, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारा ससुर हूँ, वो भाई है। दामाद जी मैं। hey, कौन है तेरा दामाद? डिपल इधर आओ, बताओ तुमने वो करंट इसे ही दिया था ना? ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं कोई लाइन मैन हूँ जो हर बात पर करंट दिया कहकर मुझे याद दिलाते रहते हो? सीनो कंफ्यूज मत हो, दामाद जी वो भाई है, भरोसा मत करना, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। दामाद जी, तूने इतना प्लान किया तो मुझे कितना प्लान करना चाहिए? सीनू, डिंपल इधर आ। सीनू, इसने कुछ पेन ड्राइव के बारे में कहा था ना, निकालो। ये लीजिए सर, अब मैं चलता हूँ सर। कहाँ जा रहे हो? अभी हमें कुछ और लोगों को मारना है, समझ गया ना? hey. गार्डो से ये करंट लगाना तुमने कहाँ से सीखा? सर मुझसे कुछ मत पूछिए, मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है सर, लगता है किडनी गल के पिलपिली हो गई है। वैसे अब रुखसाना कैसी है? सर मेरी सिचुएशन को इमोशन से क्यों जोड़ रहे हैं, मेरी फ्रस्ट्रेशन को समझे बिना रुखसाना के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? ए, ए, आवाज में दम आ रही है। सर मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, तुमसे तो अभी बहुत काम है। चलो भैया, बेटी की शादी देखकर दाल चावल खाकर आराम से स्वर्ग चले जाना। hey, तुम जाकर उस लड़की को अब... hey!
कोई काम शुरू करो तो उसे खत्म भी करना चाहिए। तूने शुरुआत की है, मैं खत्म करूंगा। दामाजी, वो अंजलि को उठा कर ले जा रहे हैं। जल्दी 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 चलो, हम वहाँ कितनी मुश्किल से पेट्रोल निकालते हैं और तुम लोग इतना सारा पेट्रोल चेजिंग में बर्बाद कर रहे हो। कान के नीचे बजाऊंगा तेरे, यहाँ जान जा रही है और तुझे पेट्रोल की पड़ी है, अकल से पैदल है तू। अबे ओए, मेरी उम्र फाइट की नहीं रही ये तो समझ में आता है, 60 जैसा होकर तू क्यों नहीं फाइट करता? क्या है ना, किसकी तरफ से फाइट करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। अबे तू अर्जुन या भीष्म नहीं है, शिखंडी है तू। दबाजी, दबाजी, ए दबाजी, दबाजी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सिर्फ इतना ही नहीं, अपने गांव को धोखा देकर उनका पैसा चुरा कर इल्जाम तुम्हारे बाप पर लगा दिया। रुक जाइए, सब पीछे जाइए, आप लेकर जाइए। भाई इतने दिनों तक आपको गलत समझते रहे, हमें माफ कर देना। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपनी खुशी के लिए इन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। करेक्ट सर, अब हमारा क्या होगा सर? किसी और बकरे को ढूंढना पड़ेगा, और क्या। कहाँ मिलेगा सर? मिलेगा मिलेगा।